स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल सेल्फ स्टडी विद जेपी सर के। आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का मैथ सॉल्व करा रहा हूं, और आपको ये भी बात पता है कि अभी 25 नवंबर को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, वेस्ट बंगाल बोर्ड ने आपके सिलेबस में काफी बदलाव किया है और आपको सिलेबस को 30 से 35% तक कम कर दिया है। यदि अभी तक आपको इसकी जानकारी नहीं है तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दिया हूँ, ठीक इसके पहले वाले वीडियो को मैं बनाया था, आप उसे जरूर जाकर देख लीजिएगा। मैं अभी आपको मैथ पढ़ाऊंगा 5.3, और आपको मैं बता दूं कि ये आपके सिलेबस में है। ये जो इस बार का एग्जाम होगा 2021 में आपका जो एग्जाम होने वाला है क्लास 10 का, उसमें ये है चैप्टर 5.3, 5.1 एंड 5.2। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप वेस्ट बंगाल क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो पहले जाकर आप 5.1, उसके बाद 5.2 और 5.3 देखिए हमारे वीडियो के, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। मैं एकक सम्स को सॉल्व कराया हूं 5.1, 5.2 और 5.3 का। आप वहां पर विजिट करके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियो को बहुत आसानी से पा सकते हैं और अपने तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। आप एक बार जाकर जरूर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे बताया हूं और आपको काफी हेल्प मिलने वाला है। आप सभी जानते हैं कि मैं अपना वीडियो शुरू करता हूं और एक पहेली के साथ, और जो मेरे पिछले वीडियो की पहेली थी और उसका सही जवाब जो था, उसका सही जवाब था हमारा, सही उत्तर हमारा था नारियल। और जो सबसे पहले कमेंट आया और कमेंट था रोहित महतो का, तो रोहित महतो फर्स्ट आए हैं इस पहेली का जवाब देने में। सेकेंड जो कमेंट आया चांदनी खटिक सेकेंड आई है, और थर्ड जो कमेंट आया पूजा चौधरी का आया और पूजा चौधरी थर्ड आई है। तो इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने टॉप 3 में अपना जगह बना पाया। मैं इस वीडियो में भी एक पहेली पूछूंगा, और आप यदि टॉप 3 में कमेंट करते हैं सबसे पहले तो मैं आपका नाम अगले वीडियो में जरूर अनाउंस करूंगा और पहेली का सही जवाब भी मैं अगले वीडियो में बता देता हूं। तो चलिए आज का ध्यान दीजिए, आज की जो पहेली है आप उसे ध्यान से सुनिएगा और इसका जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका मैं नाम जरूर अनाउंस करूंगा। आज की जो हमारी पहेली है ध्यान दीजिए, बीमार नहीं है फिर भी खाती है गोली, बूढ़े बच्चे डर जाते हैं सुन के इसकी बोली। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, बीमार नहीं है फिर भी खाती है गोली, बूढ़े बच्चे डर जाते हैं सुनकर इसकी बोली। आपको जल्द से जल्द कमेंट करके बताना है कि इस पहेली का सही जवाब क्या होगा। चलिए आज के हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चैप्टर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 के 1 से आज पढ़ाऊंगा। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है मैंने सॉल्व करा दिया हूं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उसका नाम ही लिखा हुआ है चैप्टर 5.3 क्लास 10, चैप्टर 5.1 क्लास 10, चैप्टर 5.2 क्लास 10, प्लेलिस्ट में नाम लिखा हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं शंकु के ऊपर, बेलन के ऊपर, गोलक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जो आपके इस बार के सिलेबस में है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एकक सम्स आपको मैंने जो बुक में दिया गया है एमसीक्यू से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन तक सारा मैंने सोल्व किया, एक भी सम्स नहीं छोड़ा हूं। तो आप जरूर जाके विजिट कीजिए, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है शंकु बेलन गोलक अगर इसमें से, या 5.1 या 5.2, 5.3 अभी चल रहा है धीरे धीरे पूरा हो जाएगा, ये पार्ट 9 वीडियो है, इसके पहले भी मैंने 8 वीडियो अपलोड कर चुका हूं इसके ऊपर। यदि आप इन चैप्टरों में आपको किसी भी सम्स में प्रॉब्लम हो रहा है आप जाकर उसे खोजिए, जरूर मिल जाएगा, एकक सम्स को मैंने सोल्व किया हो। तो चलिए जो आज का हमारा टॉपिक है 7 का जो 1 नंबर सवाल दिया है
कि ए बटा थ्री बराबर बी बटा फोर बराबर सी बटा सेवन होने से दिखाए कि ए प्लस बी प्लस सी बटा टू इक्वल टू टू, यानी ये आपका क्या हो गया एलएचएस और ये क्या हो गया आपका आरएचएस। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा इसी चीज को, मैंने यहां पे लिख दिया बराबर क्या के माना, इसको तो के मेथड बोला ही जाता है आपको पता ही है। तो ए बराबर क्या हो गया थ्री के, बी बराबर क्या हो गया फोर के, क्रॉस गुणा हो रहा है तो जान ही रहे हैं, सी बराबर क्या हो गया सेवन के हो गया। ठीक है, अब ये आपका क्या है एलएचएस है, तो मैंने यहाँ पे एलएचएस लिखकर ये जो ए प्लस बी प्लस सी बाई सी है मैंने लिखा, ए का मान क्या है थ्री के लिखा, फिर प्लस का चिन्ह, बी का मान फोर के मैंने फोर के लिखा, और सी का मान जो सेवन के है मैंने लिखा बटा सी, यहाँ देखिए सी यहाँ पे था तो ये जो सी का मान यहाँ पे सेवन के लिख दिया। इन सबको जोड़ने से तीन और चार सात और सात मिलकर क्या हो गया चौदह के, और नीचे सात के से के कट गया और चौदह कट गया सात से दो दान में। आपका आरएचएस में भी दो था इसलिए ये क्या हो गया प्रूव हो गया एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव हो गया, और यही पर आपका सवाल जो हो गया सोल्व हो गया। तो आप इसे अच्छे से नोट करिए, सेवन का जो दो नंबर सवाल है यहाँ पर आप कुछ नया सीखने जा रहे हैं, अभी तक आपने जितना सीखा है एक नया चीज आपके सामने आएगा तो आपको ध्यान से देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है a बटा क्यू माइनस आर बराबर बी बटा आर माइनस बी बराबर सी बटा टी माइनस क्यू होने से दिखाए कि, यहां तक कोई नया नहीं है, अभी तक आप पुराने में ही थे, नया अब यहां से आने जा रहा है a प्लस बी प्लस सी, ये भी कोई नया नहीं था। देखिए बराबर जीरो ये है नया, ये क्या है ये है नया, ये जो बराबर जीरो आ गया फिर बराबर क्या आ गया पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी। आपके अभी तक आपने क्या सीखा था कि एक ये रहता था बराबर का चिन्ह देकर, एक ये रहता था मैंने ये दो एक ही जो बराबर का चिन्ह रहता था, लेकिन यहां पर कितना बराबर का चिन्ह आ गया है दो, और एक बीच में भी संख्या दे दिया गया है। तो देखिए जब इस तरह की तीन संख्याएं दी गई है प्रूफ करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो बराबर पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी, ये जब तीन संख्या दी जाएगी तो ये तो आपका आप जानते हैं कि एलएचएस है लेफ्ट हैंड साइड, ये आप जानते हैं कि इसको हम क्या बोलते थे राइट हैंड साइड, और ये जो बीच में आ गया बीच वाले को आप क्या बोलोगे एमएचएस, एमएचएस का मतलब होता है मिडिल हैंड साइड, एम का मतलब मिडिल, एच का मतलब हैंड और एस का मतलब साइड, जब बीच में कुछ रहेगा यानी तीन को जब प्रूव करना होगा तो बीच वाले को हम बोलेंगे मिडिल हैंड साइड यानी एमएचएस। अब चलिए इसको बनाते हैं, ये जो लिखा गया इसको मैंने लिख दिया बराबर क्या लिख दिया वर्ग माना, ठीक है के मानने से बनाने से भी बन जाएगा लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसीलिए वर्ग मान लिया, ए बराबर ए वन के साथ इसका गुणा आपके क्या आ गया क्यू माइनस आर, फिर बी बराबर क्या आ गया आपका ये r माइनस थ्री, और c बराबर ये वन से गुणा होकर ये आ गया t माइनस क्यू, ये तो आपको पता ही है। एलएचएस जो दिया गया a प्लस बी प्लस सी, a का मान क्या आया है देखिए a का मान हमारा जो दिया गया है p माइनस आर लिख दिया, फिर प्लस का चिन्ह, b का मान क्या है r माइनस थ्री और फिर प्लस का चिन्ह c का माइनस t माइनस क्यू। अब देखिए यहाँ पे जो एक राशि है वो आपस में कटेगी, ये आपका q जो है प्लस में है और यहाँ पे जो q है माइनस में है, प्लस माइनस आपस में कट गया, फिर ये जो आपका r जो है माइनस में है और ये r प्लस में है ये कट गया, और ये भी प्लस माइनस में p भी कट गया, तो सारा कट के क्या आ गया जीरो आ गया। ओके मैंने जीरो लिख दिया, यहाँ पर एमएचएस कितना है जीरो ही दिया हुआ है जो बीच में दिया गया है, बीच वाले को हम क्या बोलेंगे मिडिल हैंड साइड। आपको यही चीज आप नया सीख रहे हो इस सवाल में याद रखना है आपको। फिर ये आरएचएस हुआ, आरएचएस जो था पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी मैंने लिखा, और उसके बाद पी लिखा और ए का मान क्या आया है पी माइनस आर, मैंने पी माइनस आर रखा क्वेश्चन बंद किया, फिर प्लस क्यू लिखा और बी का मान क्या दिया है आर माइनस पी लिखा, फिर आपका प्लस आर लिखा और सी का मान क्या दिया है पी माइनस क्यू, मैंने उसको लिखा पी माइनस क्यू लिखा। अब देखिए ये गुणा होगा, क्या होगा ये गुणा, तो गुणा कीजिए p और q गुणा होकर क्या हो जाएगा पी क्यू, अब प्लस और माइनस माइनस p और r गुणा होकर क्या हो गया पी आर, फिर प्लस और प्लस गुणा होकर प्लस हो गया p और q और q और r गुणा होकर क्या हो गया q r, अब फिर प्लस और माइनस माइनस p और q गुणा होकर क्या हो गया pq हो गया,
फिर प्लस प्लस गुणा होकर प्लस, यहाँ पे क्या बन गया पी आर, और ये माइनस क्या हो जाएगा क्यू आर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये भी प्लस माइनस में सब कट रहा, ये प्लस में है तो इसका जोड़ीदार कहाँ, ये रहा माइनस में, ये प्लस ये माइनस में है तो इसका जोड़ीदार जो रहा ये पी आर, सॉरी कहीं पर गलत हो रहा है लग रहा है, पी आर पी आर पी आर पी आर कहाँ, ये देखिए ये प्लस में रहा, फिर ये क्यू आर प्लस में है और यहाँ पे माइनस में, ये सारा कट गया पर क्या हो गया जीरो हो गया। तो आप देखिए एलएचएस का मान जीरो, एमएचएस का मान जीरो और आरएचएस का मान भी जीरो आ गया, तीनों प्रूव हो गया, जो आपको लाना था लिख सकते हैं, इसलिए एलएचएस बराबर आर एलएचएस बराबर एमएचएस आ गया है, एमएचएस बराबर आरएचएस, और यही क्या हो गया आपका प्रूव हो गया। ओके, तो आप इसे लिख लीजिए, समझे ही होंगे, उतार लीजिएगा, ये एमएचएस है एम। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं बिना वक्त गवाए हुए अगले, कुछ अलग तरीका से बना हुआ है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। ए एक्स प्लस बी वाई बटा ए बराबर बी एक्स माइनस ए वाई बटा बी होने से दिखाए कि प्रत्येक अनुपात एक्स के समान है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा, गुणा लिखा ए बाई ए बराबर ये जो लिखा गया बी एक्स माइनस ए वाई बटा बी गुणे बी बाई बी, तो मैंने किया क्या हूं इसमें ए बाई ए यानी पहले वाले पद में ए बाई ए से गुणा कर दिया और दूसरे वाले पद में बी बाई बी से गुणा कर दिया, प्रथम पद को ए बाई ए एवं द्वितीय पद को बी बाई बी से गुणा करने पर। तो चलिए इसको गुणा कीजिए, अगर इसको ए से गुणा करेंगे तो ऊपर में अगर ए से गुणा होगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर एक्स, फिर प्लस क्या हो जाएगा ए बी वाई, और नीचे में अगर ए गुणा होता है आपस में तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर बराबर बी से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी और क्या हो जाएगा वाई, और नीचे में अगर बी गुणा हो जाता है तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसको आगे कैसे बनाएंगे, एक इस जो ये 5.3 है इसमें एक प्रक्रिया होती है संयोजन प्रक्रिया, हम संयोजन विधि से इसको बनाएंगे। संयोजन विधि में क्या होता है कि इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है जिसको इंग्लिश में एडेंडो बोला जाता है, तो वही काम करने जा रहे हैं, इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे डायरेक्ट ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई प्लस, देखिए ये जोड़ देंगे ये बराबर का चिन्ह हट जाएगा बी स्क्वायर एक्स ये माइनस हो जाएगा, हालांकि इसके लिए प्लस हो गया ये तो माइनस ही रहेगा ए बी वाई अब बटा जो नीचे वाला है उसको यहाँ पर जोड़िएगा तो ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये कौन सी विधि थी संयोजन, संयोजन या इसको बोल सकते हैं बाई इंग्लिश में है ये एडेंडो, बाई एडेंडो बाई एडेंडो के द्वारा ये किया गया है। बाई एडेंडो विधि में संयोजन प्रक्रिया में क्या होती है कि आपस में जो ऊपर वाला होता है जोड़ दिया जाता है और जो नीचे वाला होता है उसको आपस में जोड़ दिया जाता है, तो आप इतना दूर तक जरूर समझे होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो एक राशि है वो कट जाएगा, ये आपका प्लस में था और ये माइनस में था, ये दोनों कट गया, यानी आपका ऊपर में क्या बचा हुआ लिखिए ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ तो देखिए ऊपर में आपका कॉमन क्या आ जा रहा है, एक्स कॉमन आ जा रहा है, यहां पे मैं बना देता हूं जगह है, एक्स कॉमन आ गया तो क्या बचा आपका ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में आपका क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखिए ऊपर नीचे आपस में क्या हुआ, ये कट गया तो आपका क्या बचा एक्स बचा। ठीक है, आप अंत में ही लिख सकते हैं, इसलिए प्रत्येक अनुपात अंत में मैं यहां पे लिख देता हूं, इसलिए प्रत्येक जो आपका सवाल में दिया था दिखाए कि प्रत्येक अनुपात एक्स के समान है, लिख सकते हैं इसलिए प्रत्येक अनुपात एक्स के समान, राइटिंग मेरा थोड़ा खराब है आप लोग समझ लीजिएगा, प्रत्येक अनुपात एक्स के समान है। ठीक है,
तो आप इसे समझे होंगे, हम आशा करते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको संग संग मिले और आप अप टू डेट होकर वीडियो देखें। इस वीडियो में बस इतना ही, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।